मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में आज सांसद अजय निषाद, विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर की उपस्थिति में प्रदूषण मुक्त लकड़ी आधारित अत्याधुनिक शवदाह गृह जनता को समर्पित कर दिया। इसका उद्घाटन शहर के वरिष्ठ नागरिक हरिराम शाह ने किया। यह प्रदूषण मुक्त शवदाह गृह बिहार का प्रथम व देश का 36वां शवदाह गृह है। इसकी खासियत यह है कि इसमें खपत भी 9 मन की जगह 2 मन होगी। यह बिल्कुल ही बिजली शवदाह गृह की तरह ही काम करेगा। शव यात्रा में शामिल लोगों को दाह संस्कार की पूरी प्रक्रिया होने के लिए घंटों नहीं रुकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होगा। प्रदूषण मुक्त शवदाह की यह व्यवस्था सिकंदरपुर मुक्तिधाम में की गई। काठमांडू के भस्मेश्वर घाट की तर्ज पर यहां 58 लाख रुपए की लागत से लकड़ी आधारित ऊर्जा प्रदूषण मुक्त पारंपरिक शवदाह संयंत्र स्थापित किया गया है। सरकार से बिना मदद लिए इसको शहर के प्रख्यात डॉक्टर वरुण शाह ने 58 लाख की लागत से तैयार करवाया है। यहां शव का दाह संस्कार मुफ्त है। डॉक्टर अरुण शाह का यह सपना लंबे समय से था, जो आज साकार हो गया है। डॉक्टर अरुण शाह के पिता जी श्री हरि राम शाह ने इसका उद्घाटन फीता काट कर किया। डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता का आज डिमांड पूरा हो गया। का जो दाह संस्कार के लिए जो ये लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं विशेष रूप से अरुण जी को, डॉक्टर अजय जी को, बबलू चौधरी जी को मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने निजी कोष से इसका निर्माण कराया है और दान भी दिया है। और जो मुक्तिधाम के जो संयोजक हैं रमेश केजरीवाल जी, उनकी अथक मेहनत के कारण है कि आज इस शमशान घाट में इसका अनावरण हुआ है। इससे सबसे बड़ा फायदा है जो गरीब लोगों के लिए, कि एक तो उनका समय भी कम लगेगा, दाह संस्कार मात्र 1.5 घंटा में निपट जाएगा, और जो लकड़ी की खपत है मात्र 100 किलो मतलब 1 क्विंटल में आदमी का दाह संस्कार हो जाएगा। तो एक समाज के लिए और पर्यावरण के लिए ये बहुत उपयोगी है। क्या लगता है कि ऐसे संयंत्रों को लगाने के लिए पूरे बिहार में कागजी यानी सरकार की तरफ से जो देखिए काम करने का दो ही तरीका है, या सरकार करे या व्यक्ति करे। जटिल जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने नहीं, सरकार को पर्यावरण के हिसाब से देखिएगा तो ये तो बहुत कम खर्च में, और खासकर जो धर्म का, जो हिंदू धर्म का देखते हैं उसके अनुकूल है। सभी लोग का इच्छा रहता है कि हम दाह संस्कार से लकड़ी पे ही करें, तो भी प्रक्रिया पूरा हो जा रहा है, समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है और लकड़ी भी बच रही है। रमेश भैया का लीजिए मेन आज के जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें काफ़ी विशिष्ट अतिथिगण लोग आए, काफ़ी लोग आए और लोगों ने संबोधित किया। काफ़ी लोग में ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों से मतलब कि स्थगित था किसी न किसी कारण से, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा होता रहा और आज का दिन ऐसा है कि आज उद्घाटन हमारे पिताजी जो 90 साल के हैं वो भी हिम्मत करके, वो जबकि नहीं उतर, कहीं सीढ़ी से भी नहीं उतर पाते हैं, लेकिन सीढ़ी से उतर करके आए, यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया। तो मेरा ये मानना है कि ये जितने भी ये समाज के जितने भी लोगों ने सहयोग किया है सबके प्रयत्न से, और ख़ास करके यहाँ पर जो ईश्वर के द्वारा जैसे भगवान ने डायरेक्टली भेज दिया एक मैसेंजर ऑफ गॉड रमेश केजरीवाल के रूप में, वो इस काम को पूरी तरह से संभाल रहे हैं, तन से, मन से, धन से। ही इज़ द बॉडी माइंड एंड सोल ऑफ दिस इंटायर परिसर। वो पूरा का पूरा समय इतना देते हैं कि, और हम लोग उनके काम से इतने प्रभावित हैं कि मुजफ्फरपुर में हर आदमी अपनी तरफ से कुछ न कुछ सहयोग देने के लिए तैयार है। और हम समझते हैं कि हमारा ये बहुत बड़ा हम अपने आप को खुश नसीब पाते हैं कि हम किसी का मतलब कि कुछ करने लायक योग कुछ करने योग्य हैं। और आज ये एक मुजफ्फरपुर के लिए या पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।